Hey guys, welcome back to the channel. This time another weekend and another journey, another road trip. So abhi baj rahe hain time raat ke 11 o'clock in the night, and this is a Friday night and I'm leaving for Rameswaram. So Rameswaram is about 580 kilometers approx from Bangalore. So right now me and my roommate Prabhu, you have seen many of my previous videos, we are starting from our place from Bangalore, and we'll be reaching there in morning and we'll stay there for a day and try to explore Rameswaram, and I'll try to show my story of Bangalore to Rameswaram and whatever we'll do at Rameswaram. So stay tuned, ab dekhte hain kya karte hain hum Rameswaram mein. To chalte hain, raat abhi start hui hai, journey dikhaunga thoda, phir milte hain Rameswaram mein. So let's go and hit the road. Cheers. तो यहाँ से हमने लिया वाटर बॉटल, रेड बुल, कुछ मिंट, और अभी आफ्टर फिलिंग अप अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिर से जर्नी. और अभी एग्जैक्ट 582 दिखा रहा है हमारा मैप. तो लेट्स बिगिन दिस ट्रिप. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. और अभी हम सो के उठे हैं. सुबह आने के बाद काफ़ी नींद आ रही थी क्योंकि 580 किलोमीटर्स दोनों सोए रही है, प्रभु चला के आया पूरा. और बाकी अभी बस निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 3:30 अराउंड आफ्टरनून. और बस अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं पहले, भूख लगी है बहुत जोर का. फिर उसके बाद हम अपनी गाड़ी को निकालेंगे और कहीं घूमने जाएंगे और एक दो प्लेस देखेंगे आज. बाकी कल का दिन है, कल एक्सप्लोर करेंगे और वापस बैठ. लंबा ड्राइव करके आओ तो पहले काम है सो जाओ, सोने के बाद खाना, फिर बाकी, क्योंकि ये सब होते रहता है. सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा. तो मिलते हैं अभी रोड पर. तो बस अभी जा रहे हैं हम कहीं, पहले फ्यूल अप करेंगे गाड़ी को, उसके बाद निकलते हैं टू सम पॉइंट टू सी सनसेट फॉर द डे. और आज के लिए उतना ही रखेंगे. तो अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी फॉर आवर सनसेट, और रुक क्यों गए वो दिखाता हूँ अभी. जस्ट तो होपफुली आप लोग ये व्यू देख पा रहे होंगे, कितना शानदार नज़ारा यहाँ पे आप देख रहे हो. ये पूरा सी है यहाँ पे, और जो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी. काफ़ी अच्छा है फोटोग्राफी के लिए, उस पॉइंट में जाके आप फोटो क्लिक करा सकते हो. बहुत अच्छा व्यू आ रहा है. अगर आप अराउंड 4:35 आते हो इवनिंग सनसेट टाइम पे, बहुत बेहतरीन शॉट्स आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ. इट्स लाइक रियली गुड फॉर फोटोज. टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड प्रोज इंस्टाग्राम डाउन बिलो. सो इवनिंग के 5 बजे के बाद यहाँ अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए पुलिस सर ने हमें बोला कि वापस जाने को. ये लास्ट पॉइंट है. तो यहाँ से धनुषकोडी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि 1964 में जो साइक्लोन हुआ था रामेश्वरम साइक्लोन, जो रिमेन्स है वो बचे हुए हैं. ये टाउन कम्प्लीटली इनहैबिटेड है और अभी लोग रहते नहीं है, बस कुछ फिशरमैन रहते हैं. सुबह फिर से आएंगे बिकॉज मुझे आपको वो पॉइंट दिखाना है, और सुबह हम फिर से आएंगे, फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे और पॉइंट देख के ही जाएंगे. तो धनुषकोडी रिमेंबर दिस, धनुषकोडी इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस एंड पॉइंट. हाँ, तो जगह का नाम है अर्चू मुने, जो कि एंड पॉइंट हमने बताया आपको. अर्चू मुने जगह का नाम है. तो अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ रियली सॉरी, मैं इस पार्ट से हूँ नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. सो इट इज़ अर्चू मुने, जो कि हम जाएंगे सुबह अगेन टू सी दैट एंड पॉइंट. पक्का दिखाऊँगा मैं वो. ये जो चर्च देख रहे हो आप मेरे पीछे, सो दिस वॉज
धनुषकोडी 1964 ये सब जो रिमेन्स बचे हुए हैं यहाँ के जो टूट फूट गए हैं पूरे तरह से साइक्लोन में जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था उसके अवशेष हैं यहाँ पे जो रिमेन्स से बचे हुए हैं। तो यहाँ आ सकते हो आप, ये देख सकते हो जो जो हुआ था यहाँ डिस्ट्रक्शन बाय नेचर। सो आपने देखा ये पुराना जो उस टाइम का चर्च था, हम पहले अर्चिमेने से यहाँ तक आए और यहाँ पे धनुषकोडी में अभी ये सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दीज आर द रिमेन्स और जो आप देख रहे हो टूटे फूटे घर दिख रहे होंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये है ओल्ड टैंक, तो उस टाइम पे पानी स्टोरेज करने के लिए ये टैंक यूज़ किया जाता था। तो ये भी उन्होंने ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया हुआ है तो रखा हुआ है अभी भी वो जो रिमेन्स बचा हुआ है। जो रहता है ये आपका बैरिकेड है, इसके बियॉन्ड जाने नहीं देती पुलिस आफ्टर 5 o'clock। चलो टाइम लैप्स देखते हैं सनसेट का। सो ये था टाइम लैप्स और लोग अभी भी इस जगह पे हैं। धनुषकोडी का जो ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे अभी भी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप आ सकते हो, सनसेट हो गया है। का दिन है कल, 2 से 3 प्लेस देखेंगे जो कि मस्ट विजिट है। वो है अग्नि तीर्थम जो कि पिलग्रिमेज प्लेस तीर्थ स्थान हमारा यहाँ का रामेश्वरम का। ये जो स्ट्रीट है यहाँ का और ये देख लो आपकी साइड है और बस अभी बैठे हुए हैं थोड़ा, मतलब इवनिंग टाइम यहाँ एक्टिविटीज़ है नहीं ज़्यादा कुछ करने को, तो होटल रूम जाने से अच्छा है थोड़ा यहाँ बैठा जाए फिर डिनर किया जाए फिर जाकर रूम में सोया जाए क्योंकि नींद आने लगी है अभी थोड़ी थोड़ी। जो भी खाया हमने स्ट्रीट फूड खाया यहाँ, कुछ स्ट्रीट फूड मतलब वही बड़ा एंड देन बनाना फ्राई था और बाकी एक दो छोटे मोटे चीज़ और कॉफ़ी ऑसम था। जो भी स्ट्रीट साइड शॉप था ऑसम था इट इज़। अगर आज कुछ कर रहे तो ठीक है, नहीं तो मिलते हैं कल सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ डे 2 एट रामेश्वरम और अभी हम निकल रहे हैं फिलहाल टू विजिट सम प्लेसेस इन रामेश्वरम। फर्स्ट विल सी सम टेंपल्स, देन विल गो टू धनुषकोडी अगेन टू सी द एंड पॉइंट ऑफ इंडिया वेयर वी कुड नॉट एबल टू गो देयर यस्टरडे इवनिंग। सो विल गो देयर। सो दिस इज़ द होटल वी स्टेड एंड दिस इज़ होटल रामलीला इन रामेश्वरम। So it's so you have to book this hotel from Oyo and we got it for a real cheap price. So you can book it from Oyo. Also the services are okay, but there are no restaurants in this hotel. And this is very near to the temples over here. Around everything is there in 3 kilometer distance. So let's go and explore the things in Rameswaram. अभी हमने जो देखा वो था रामर पादम जो कि श्री राम जी का पदचिन्ह वहाँ पर था। तो अभी आपने देखा वो पदचिन्ह तो दिखा नहीं सका क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। तो वो टेंपल आपने देखा जहाँ पे ये स्थापना हुई है और वहाँ मंदिर बनाया गया है। अगर रामेश्वरम आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी धूप होती है, अराउंड 9-10 o'clock अभी बज रहा है, 10 बज रहा है सुबह के और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अराउंड 31 degrees Celsius इन फर्स्ट वीक। सो अगर आ रहे हो तो द टाइम आई सजेस्ट इज मिड नवंबर टू जैन, दैट्स ऑल। सो अभी हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं वो है रामनाथस्वामी टेंपल। रामनाथस्वामी टेंपल जो है श्री राम जी के द्वारा स्थापना की गई 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पे शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ वो है यहाँ पे। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ कि कोई कैमरा लेके आप वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है अंदर अगर जाओगे आप। तो ये वेस्ट आवर एंट्रेंस ऑफ रामनाथ स्वामी टेम्पल। रिमेंबर यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, पार्किंग से वॉकेबल डिस्टेंस पे है वंस आप अपना गाड़ी पार्क करते हो तो। सो हम अगर रामायण से रेफरेंस ले, अगर रामायण से आप परिचित, तो यहाँ पे सीता माता जो है उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी राम जी के सामने, श्री राम के सामने। तो इसको बहुत ही होली प्लेस माना जाता है। तो आप देख सकते हो लोग यहाँ आके अपना डुबकी लगा रहे हैं और दे आर टेकिंग बाथ। ये जो बोटिंग पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे 70 rupees पर हेड बोटिंग चार्जेस है, आप यहाँ बोटिंग कर सकते हो। ये बोट पे आपको ये पूरा वहाँ तक लेके जाएंगे, घुमा के लेके आएंगे। तो ये जस्ट हम लोग अभी अग्नि तीर्थम घूम के आए हैं, वहाँ से कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे है, अनदर 50-60 meters के डिस्टेंस पे। तो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं टुवर्ड्स धनुषकोडी अगेन क्योंकि आपको अर्चुमने नहीं दिखाया था, तो वहाँ जा रहे हैं अभी नेक्स्ट। फिर उसके बाद और एक दो प्लेस देख के देन विल हेड बैक।
सो आप लोगों ने बहुत सारे सी बीचेस के वीडियोस देखे हैं, मैंने जो भी दो तीन सी बीचेस कवर किए हैं अपने वीडियोस में अभी तक, बट ये सी बीच इसलिए स्पेशल है, ये जो लाइंस देख रहे हो आप, इसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एरिया है इंडिया का और ये एंड है, बॉटम एंड ऑफ इंडिया। ये था अचीवमेंट धनुषकोडी पे। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो टाइमिंग 8 बजे से शाम को 4 बजे या 5 बजे तक मैक्स ही खुला रहता है, क्योंकि इस एरिया में कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन का इतना कुछ है नहीं, तो आप अगर ओन ट्रांसपोर्ट में ही आओगे ज़्यादातर, या बस भी आती है तो मैंने जितना हो सका दिखाया वहाँ का। तो ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, तो उनका एक मेमोरियल था ये। तो ये सुबह के 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता, बाकी अभी लोग आ रहे हैं अंदर तो हम तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब्दुल कलाम जी कैसे रहते थे उनके लाइफ के बारे में ही म्यूजियम है, तो डेफिनेटली ये गोटो प्लेस है, तो अगर रामेश्वरम आ रहे हो तो डेफिनेटली चेकआउट करो इसको। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, 2 बजने वाले हैं, खाना कुछ नहीं खाया, एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, तो लेट्स गो एंड चेक आउट द नेक्स्ट स्टॉप और नेक्स्ट पॉइंट इन आवर रामेश्वरम एक्सप्लोरेशन। चीयर्स। तो राइट नाउ मेरे पीछे आप ये जो ब्रिज देख रहे हो ये है पम्बन ब्रिज। सो बेसिकली क्या है ये मैं बता देता हूँ, 1914 में ये ब्रिज बनाया गया था, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज था टिल 2010, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिस जो कि सी के ऊपर समंदर के ऊपर बनाया गया था। और इस ब्रिज को 2010 में जब वर्ली सी लिंक बना मुंबई में तो वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट था, बट ये 2 किलोमीटर का ब्रिज था। रेलवे ट्रैक, ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हो ये बना हुआ था 1914 में, 100 ईयर्स ओल्ड ब्रिज है। और ये इसलिए बनाया गया था कि तभी क्या होता था, रामेश्वरम जो पम्बन आइलैंड है इसको इंडिया से कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाई गई थी। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये ऊपर जो हाइट में है वो है रोडवेज है, तो वो नॉर्मल रोड फॉर नॉर्मल व्हीकल्स, एंड दिस इज़ द रेलवे ट्रैक, द रेलवे ब्रिज। तो ये जो देख रहे हो आप अभी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली है, ये कैंटिलीवर ब्रिज है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी जहाज या शिप आते थे समुद्र से, जहाज या शिप आते थे, तो ये खोला जा सकता है। तो आप देख रहे हो पीछे चट्टीनाड मेस, यहाँ पे हमने खाना खाया, अपना लंच किया। तो ये प्लेस पता नहीं गूगल में क्यों लिस्टेड नहीं है, बट अगर नॉन वेज खाते हो आप, वेज भी मिलता ऐसा नहीं है, बट अगर नॉन वेज खाते हो तो मस्ट ट्राई है यार। रामेश्वरम से पहले पड़ेगा ये, आप एंट्री करोगे जो रामेश्वर टाउन पे, तो उससे 20 किलोमीटर पहले ये पड़ जाएगा, ऑन द मेन रोड है, हाईवे पे ही है। पर आप देख लो कि हमने यहाँ का क्या खाया, बट रियली ऑसम फूड। तो ये स्प्रेड है, यहाँ फिश फ्राई, प्रॉन्स, आप देख सकते हो ये प्रॉन्स, छोटे प्रॉन्स रिब्स जो है, और ये लीवर, चिकन लीवर। तो ये हमारा हो गया ऑमलेट फ्राई, जो कि यहाँ पे फ्राई किया गया, और ये चिकन 65, तो 4 पीस चिकन मिलते हैं आपको यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन वेज फीस्ट बन गया है यहाँ पर, तो खाना खाया गया। सो चट्टीनाड मेस प्राइस थंब अप, वैल्यू फॉर मनी थंब अप, फूड क्वालिटी ऑसम, सर्विस फास्ट। सो इतना ही चाहिए एक आपके परफेक्ट मील के लिए। पसंदीदा था यहाँ पे, हमने जो दो आइटम्स उसके ऑर्डर किए वो था प्रॉन्स मसाला फ्राई। तो डेफिनेटली चेकआउट करो ये प्लेस अगर आप रामेश्वरम जा रहे हो, थाई चट्टीनाड मेस, रिमेंबर दिस, थाई चट्टीनाड मेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबाइए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आप अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ वो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इस तरह के जो भी ट्रैवल वीडियोस और फूड वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। अगर आपके कुछ सुझाव है इस वीडियो को लेके, या कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो मुझे, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एज ऑलवेज टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।